जब मैं कहूंगी तब जंग खत्म होगी। इसने क्यों कॉल किया यार? कौन है? मेरी नई गर्लफ्रेंड। हेलो। ओके, अभी आया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बन गई बेवकूफ। क्यों बुलाया है मुझे आपने? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मोनिका के पास वापस आ गए हो। तुम्हें होशियार करने आया हूं मैं। किसके लिए, किसके खिलाफ? अनम। देखो यार, अनम के पास तुम्हारी एक वीडियो है, जीनिया के बारे में कोई शर्त वाली वीडियो। समझ गया। आप क्यों पढ़ रहे हैं इस मामले में वैसे? सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और जीनिया को दुख पहुंचे। अब आपकी इस मोहब्बत पर यकीन नहीं है मुझे। ऐसा ना कहो यास। तुम्हारी मां के साथ मेरा कोई माजी है जानने से पहले तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। आप ऐसा ना करें, हमने सिर्फ बाप बेटे का खेल खेला था बस। आपके साथ कोई दोस्ती, कोई रिश्ता नहीं है मेरा, और कभी होगा भी नहीं। मैं तुम्हारी तरफ हूं, समझे तुम? मेरी तरफ है ये? किसी ने चाहा है कि आप कौन है यार? काश के तुम्हें सब कुछ बता सकता। देखिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, आगे समझ। बस आप एक काम करें, मेरे और मॉम के आसपास मत घूमें, यही काफी है। जो तुम चाहते हो अब मुमकिन नहीं बेटे। चलो इसे पी और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसे रिलैक्स नहीं होने वाली। मेरे तकिए पर कॉकरोच रखा था, ऊपर के टुकड़े कर दिए, मेरे सारे शूज काट कर रख दिए। मोनिका मैम, कोई करता है ऐसा क्या? शूज काटता है भला कोई? यानी आखिरी हमला तुम्हारे लिए बहुत भारी हो गया। दोनों बच्चों की तरह हो तुम। और कितने दिन तक चलेगी ये जंग? आखिरी हद तक। ऐसे पागल न बनाओ, थक जाओगे तुम दोनों। तुम्हें बता दूं, आखिर में जीत मोहब्बत की ही होगी। इस तरह सिर्फ वक्त को जाया कर रही हो, शायद एंजॉय कर रही हो। हाँ, एंजॉय कर रही हूँ। कैसे एंजॉय कर रही हूँ? मैं गुस्से में पागल हो रही हूँ। इसने जो किया है उसका बदला जरूर लूंगी मैं। तुम भी ये जानती हो इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है अब, वो तुम्हारा आशिक है। अगर नहीं जानती तो तुम उसे कब की छोड़कर चली जाती, इसलिए ये खेल खेल रही हो तुम। उसे माफ कर दोगी तुम? सिर्फ थोड़ा वक्त दे रही हो खुद को और बस कुछ नहीं। गलतफहमी है आपकी, बहुत बड़ी। अभी तो जंग चलेगी हमारे बीच में और ऐसे ही चलती रहेगी। खैर, मैं अब चलती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ। मोनिका मैडम, क्या इसका एक घंटा लिख लूं मैं अपने पास? वर्कशॉप नहीं आती ना? फिजा, देखो हम बहुत रिलैक्स रहकर उससे बात करेंगे, समझी? हाँ ठीक है, ठीक है यार सिबल, मैं रिलैक्स हूँ। हाय। हेलो। आप सिबल मैडम है ना? जी हाँ मैं। एमरे ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बेटी होने वाली है ना?
ऐसा कुछ है जो एमरे ने नहीं बताया मेरे अलावा? आप जैसे दोस्त होने की वजह से एमरे बहुत लकी है, आप सबको बहुत चाहता है वो। क्या कहा तुमने? हाँ दोबारा कहना जरा क्या कहा। फिजा ये क्या कर रही हो तुम यार? मुझे दोस्त कह रही है सिबल यार, देखो तो मुझे कह रही है। नाइस, वेरी नाइस। सुनो मैं सिर्फ एमरे की दोस्त नहीं हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं, और तुम्हारी तरह 3 दिन के लिए नहीं परमानेंट हूँ मैं। लेकिन मैं तो। तुम क्या क्या? हाँ मेरी जान मेरी बात मानो और अपने आप को देखो, तुम तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं। मेरी हाइट, मेरा फिगर, मेरी खूबसूरती देखो। हाँ तुम्हारे पास क्या है बताओ? आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें क्या गलत समझूंगी लड़की, तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? हाँ एमरे कहाँ और तुम कहाँ, कुछ समझी मेरी जान? ये देखो पहना हुआ क्या है, जरा देखो तो। जरूर देखो। इसके बाल देखो जरा, झाड़ जैसे हैं। फिजा ये तुम क्या कर रही हो? हमने सिर्फ बात करनी है इससे। मुझे इससे क्या बात करनी है, ये दो लफ्ज कहने के काबिल नहीं। देखो जरा इसको, एमरे मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? तुम कौन होती हो जो एमरे को मुझसे छीनोगी? हाँ मेरा भाई है वो, एमरे मेरा भाई है। डिनीस, शाबाश मेरी दोस्त, कमाल किया तुमने, शाबाश। ये क्या किया मैंने, बिना कुछ सोचे समझे उसको इतना कुछ कह दिया। अब क्या होगा मेरे साथ पता नहीं। फिजा आप बैठो यहाँ पर। ये क्या किया तुमने लड़की, क्या किया? जी हाँ रेड कलर की कार है, ऊपर से खुली हुई है, नंबर सही से नोट कर लिया है ना? ठीक है फिर। हाँ एक मिनट रुके, एक बात और, काम ठीक से कीजिएगा। नहीं मैं बता दूंगी आपको। ओके अच्छी खबर का इंतजार रहेगा फिर। सनान साहब कहाँ रह गए? मालूम नहीं, काफी देर हो गई उन्हें, मैनेजर को कॉल करके देखें। परेशान ना हो, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं आए तो हम जलील हो जाएंगे, अभी तो हमने ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जल्दी हो गई। आप रिलैक्स हो जाएं, भरोसा रखिए मुझ पर, कुछ नहीं होगा। एक सेकेंड। आपसे बात करनी है मुझे। इतने गुस्से में हो मतलब मामला सीरियस है। आप वो वीडियो मेहमत साहब को कैसे दिखा सकती हैं? जवाब दे मुझे, बोलिए। समझी नहीं। खेल खेलना छोड़े, आप उनके साथ क्या चक्कर चला रही हैं बताइए। मैंने नहीं दिखाया, नहीं जानती उसे कैसे पता चला। मॉम बस कर दें, सब कुछ करके देख लिया आपने, कोई फायदा नहीं हुआ, नजर नहीं आ रहा क्या? कामयाबी नहीं मिली आपको, मेरी जिनिया से शादी हो चुकी है। मैं अब बहस नहीं करूंगी, आज का दिन बहुत अहम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है। अयाज वेलकम। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? मेरा क्या काम है? हाँ तुम्हारी मॉम ने नहीं बताया क्या? मैं और जावियार अब पार्टनर हैं। हमें विश नहीं करोगे क्या तुम? वो वीडियो आप दोनों ने भेजी थी ना जिनिया को। शाइमा कहाँ है? वो भी यहीं कहीं होगी जरूर, शैतान का ग्रुप ऐसे पूरा नहीं हो सकता यहाँ। तुम मुझे और शाइमा को एक समझते हो क्या अयाज? हाँ समझ रहा हूँ मैं, जीनिया और मेरे साथ जो किया वो सब कुछ याद है मुझे,
आज तक सारी मेहनत सारी प्लानिंग फजूल में गई, कामयाबी नहीं हुई और ये कामयाबी कभी जिंदगी में भी नहीं होगी। अरे लड़की, तुम्हारा यहाँ क्या काम? बिल्कुल ही जोश में आ गई हो। अच्छा, मेरे बॉयफ्रेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए आई हूँ मिस्टर। देखो अना, मैं तुम्हारे टुकड़े कर देंगी। तुम मुझे छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस के बाद अनम के कान में तुम मेहमत के जासूस हो ये कहने का सोच रही हूँ मैं। तुम क्यों ऐसा कर रही हो लड़की? हम दोनों दोस्त नहीं है क्या? अपने दुख शेयर नहीं कर सकते? वो दोस्ती झूठी हो गई है मेरी जान। तुम्हारे हाथ में एक बहुत खुफिया राज दिया और तुमने जाकर वो राज उस औरत के हाथ में रख दिया। शायमा देखो, मैं कसम खाता हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा यकीन करो। प्लीज मेरी रोजी से मत खेलो यार। उफ़, अच्छा बस करो, मैं सोचूंगी। अयाज, क्या हाल है? क्या है? तुम्हें वाकई में मुबारकबाद देती हूँ मैं, यानी जीनिया और तुमने सारी रुकावटें तोड़ डाली और कामयाब हो गए, यानी मुझे बहुत खुशी हुई है तुम दोनों के लिए। देखो मैं एक बात बताती हूँ, हम दोनों एक ही किले की हिफाजत कर रहे हैं, पता है ना तुम्हें? देखो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम शैतान के ग्रुप की सबसे अहम रुकन हो। अभी दूसरे कारकुनों के पास जाओ और बैठ जाओ, तुम्हारा ग्रुप खराब ना हो जाए। हाँ? सबसे पहले मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आया, मालूम है तुम्हें? मेरे जहन में आ गया, तुम्हें अपनी कार बहुत पसंद है ना? लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ, चारों व्हील्स किस तरह से निकाले तुमने इतनी जल्दी? कमाल कर दिया यार तुमने तो। मैंने नहीं किया जानू, अपने आदमियों से करवाया। हाँ अच्छा, अब तुम माफिया बन गई हो क्या? मेरी बात सुनो कार्लोस, अपने आदमियों से कहो कि मेरे व्हील्स और सीट वापस लेकर जल्दी। मैं बंद कर रही हूँ, वीडियो कॉल करूंगी। वीडियो कॉल क्यों करेगी ये? तुम्हारे आदमियों को कह रहा हूँ, उनसे कहो कि इसकी सीट्स और व्हील्स वापस लेकर आए। आई चाहती तो बहुत थी, काश कि ऐसा हो सकता, लेकिन नामुमकिन है। क्यों है नामुमकिन? उनका तो काम हो गया, देखो। आह, टायर जलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बताओ ना जानू। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ डार्लिंग, एक औरत का दिल जलाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, हमेशा याद रखना जानू। इस लड़की ने ये आग क्यों जलाई है इस वक्त? कोई खास दिन भी नहीं है, कहीं ये हमें कोई पैगाम तो नहीं दे रही है? हाँ आए, मैं कुछ भी नहीं समझी साले साहब। मैं ये डब्बा खोल रही हूँ अब। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बुरी बात है। फिकर में मरने से बेहतर है कि बुरी बात ही हो जाए। देखो देखो, लेकिन मैं नहीं देखूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें कोई ज्वेलरी वगैरह होगी, है ना दादी जान? हाँ पकड़ी गई ना, सोचो क्या जवाब दोगी। दादी जान, ये कहाँ से मिला आपको? वो वहाँ शेल्फ पे रखा हुआ था, मैंने सोचा उसे साफ कर दूं। पर से खोल रही थी आप इसको, मैंने देख लिया। याद है आप ही ने मुझे समझाया था कि किसी की चीजों को हाथ लगाना बुरी बात होती है? नहीं मैंने तो नहीं कहा था, यानी जब तुम बुरी हो रही थी तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठी थी बेटी? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है, तुम ये बता दो इसमें क्या है। नहीं बताऊंगी मैं। तौबा है। हाँ कहो फिजा। सीनिया यार, मूड बहुत खराब है, अजीब सी हालत है, आज शाम कहीं चलते हैं?
मेरे ख्याल में कहीं डिस्को चलते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा मेरा भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ ज़ीनिया। हाँ यार, चलते हैं ना, और देखते हैं कि अयाज जब मुझे अकेले वहाँ पर देखेगा तो कैसे पागल होगा। क्यों यार, क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। यार फिजा, अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो तुम, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी ना ये सब। कहाँ रह गया सिनान? कहीं हमसे मजाक तो नहीं किया उसने? शायमा पागल है बनो। पता नहीं, यानी देखो ना कैसे इंतजार में अकड़ गए हैं, ऊपर से उसका कुछ पता नहीं। जलील हो गए हैं हम, जलील। मैं उसके मैनेजर को कॉल करता हूँ, जरूर कोई वजह होगी, एक मिनट। हाँ जान, जरूर यही होगा, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें पता है इस्तांबुल में कितना ट्रैफिक भी तो है ना। वो देखें कौन आ रहा है। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? फजूल में इंतजार न करें, ये कहने आया हूँ सिनान साहब अब नहीं आएंगे। क्यों? वो मेरे साथ काम कर रहे हैं इसलिए। हमसे वादा किया था। तुम्हें क्या, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन किसी ने उनके मैनेजर के जहन को उलझा दिया। वो तो अच्छा हुआ सूरत हाल सामने आ गई फौरन, सिनान साहब ने जो सही था वही किया। देखिए मिस्टर, आप यहां आकर हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तुम मुझे तमीज सिखाने की बजाय अपने बेटे को तमीज सिखाओ। ओ, क्या शॉट है। अब मैं समझा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। चाहो तो नीचे चलकर बात करते हैं। हाँ ये क्या, क्या तुम कॉलेज के नौजवान की तरह मुझे गेट पर जाने का कह रहे हो? ये क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो तुम? छोड़े कोई फायदा नहीं। मेहमद साहब चलें, आप भी जाएं, आपने अपना शो दिखा दिया है, बहुत हो गया। तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह दो कौड़ी के कपड़े का टुकड़ा है। बाबा छोड़ें। और तुम इसके साथ पार्टनरशिप कर रही हो और अपने बेटे के खिलाफ महाज तैयार कर रही हो, अफसोस है तुम पर। आह, तो पे सिफर। मुंह बंद करके चले जाओ यहां से। हाँ डेनिस, कहो क्या मतलब तुम जा रही हो? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो रही है? अच्छा कहाँ हो तुम? अच्छा रुको तुम, हाँ मैं वहीं आ रहा हूं। सिनान को हमने खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे बेहतर तलाश करेंगे। वो मेहमद साहब इसका हिसाब चुकाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ करो, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना मेरी गलती थी। कहां से निकला ये बात ना मैडम? बगैर सोचे समझे फैसला किया था मैंने, अब देर हो जाए इससे पहले ये खत्म कर देते हैं। अयाज की वजह से है ना? हाँ, अपने बेटे को जीतने के लिए मुझे नुकसान पहुंचा रही है ना आप? अपने फ्यूचर से पहले मैं एक माँ हूँ, आई एम सॉरी। अयास के लिए अगर जरूरत पड़ी, हर किसी को हर चीज फिदा कर दूंगी। इतना आसान नहीं है मैडम, मैंने इस काम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैं तुम्हें सब वापस कर दूंगी। अन्ना मैडम फिर सोच लें। मेरा फैसला अटल है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ जाव्यार? अनम मैम ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया ना? हाँ, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शायमा, सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इस फ्रेम की फिल्मी फोटोग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्या ख्याल है?
ये अयास ने जब मुझे दिया था तब मैं उसे बहुत चाहती थी, मालूम है ना? तुम अभी तक अयास को चाहती हो यार? टैक्सी ड्राइवर से लेकर शिप के कप्तान तक तुम्हें हर तरफ अयास नजर आता है। पागल हो गई हो क्या? उसकी कार के टायर जलाने की क्या जरूरत थी? ऐसे आइडियाज तुम्हारे जहन में कहाँ से आते हैं मालूम नहीं। अच्छा अच्छा फिजा, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होता तो पता नहीं क्या करती तुम। यकीनन मुझसे कुछ ज्यादा ही करती। हाँ सही कह रही हो तुम, मैं यकीनन उससे भी बदतर कर देती। ट्रेन से उठवाकर फेंकवा देती उसकी कार को। ओह अब इतना भी नहीं, मैं इतना भी नहीं करती यार। यार जीनिया, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन इस बॉक्स में है क्या बताओ ना। रात के खत्म होने पर देख लेना। अरे मैं इतना तो इंतजार नहीं कर सकती, अभी देख लेते। हाँ तो नहीं, ये बॉक्स वक्त आने पर ही खोला जाएगा। मैं किचन में गया और मैंने बहुत सोचा कि चार अकेली लड़कियों का बाहर जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये चौथी कौन है? कौन हो सकती है फिजा? माँ के पेट में जाने वाली हमारी बेटी सहरा। क्या अपनी अम्मी का नाम नहीं रखना था तुमने? नहीं यार, मेरा इरादा बदल गया। सहरा एक अच्छा नाम है। असल में मुझे भी अच्छा लग रहा है ये सहरा, सुनने में भी अच्छा लग रहा है ये नाम, जैसे तुमने खिड़की खोलकर आवाज लगाई हो सहरा सहरा। चलो बेटी घर आ जाओ, अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन ये नाम कहाँ से याद आया? यार इंटरनेट पे देखा था और इसके मतलब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ मतलब क्या है? सहरा इसका मतलब है रात के वक्त दरख्तों के पत्तों पर शबनम का मतलब है इसका। क्या? अरे चलो यार, चलो तैयार भी होना है, वाकई मुझे बहुत उलझन हो रही है, अब चलो। ठीक है तैयारी करें आप लोग, आप लोगों के वैसे भी काम लंबे। डेनिस, ये क्या करना चाह रही हो मेरी बहन? हाँ अभी तो तुम आई हो, एक दूसरे को समझेंगे, हम बहन भाई हैं, ये कहा था ना तुमने, और अब जाने की बात कर रही हो? आते वक्त ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ। तुमने कुछ नहीं किया, हम दोनों में बहुत फर्क है। पुप्पो ने कहा था कि उसकी दुनिया बहुत ही मुख्तलिफ है, वो इस्तांबुल में रहता है। मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनना चाहती। तुमने ऐसा रुकावट बनने वाला क्या देख लिया है वो बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह ही रहता हूँ यहाँ पे और बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी है मेरी। नहीं भाई अब और नहीं, आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपके दोस्त मुझे कबूल नहीं करेंगे, और खास तौर पे फिजा ने जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं दोबारा नहीं जा सकती। फिजा से कब बात हुई है तुम्हारी? उसने क्या कहा तुमसे? तुम लोगों का फोन ऑफ नहीं होना चाहिए, कॉल करूंगा मैं। अरे ठीक है याशा हमीद, अब हम कोई बच्चे थोड़ी हैं जो इस तरह कह रहे हो। जो वादा किया है उसी वक्त तक वापस आ जाना, इंतजार ना करना पड़े। देखो गुस्सा हो रहा है ये तो। देखो देखो बात सुनो, क्या तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी कैसे इतना आगे जा सकती हो तुम? हाँ एमरे हम आराम से बात करते हैं। हाँ मुझे समझाने तो दो यार। क्या बताओगी तुम मुझे, क्या बोलो क्या बताओगी? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी हरकतों से, आई समझ? एक इंसान की जिंदगी को इस तरह हकीर समझने से तंग आ गया हूं मैं। देखो एमरे तुम हर्ट कर रहे हो मुझे यार, वो एक गलत फहमी हो गई थी, तुम्हारी बहन है, अगर मालूम होता तो। चुप हो जाओ। तुम दोनों को क्या कहूं मैं? हाँ
चलो ये तो ऐसी ही है, कुछ नहीं सोचती। लेकिन तुम दोनों क्या चाहते थे मेरी बहन से, बोलो। एमरे देखो मेरे भाई, असल में मैं भी उस दिन वहां था। मेरा मतलब है कि सिर्फ फिजा पे गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एमरे हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा उसने, वो हक पर है, लेकिन मेरा भी तो दिल है। सब मेरे खिलाफ एक हो रहे हैं, हर एक मेरा दुश्मन बनता जा रहा है। क्यों, सिर्फ अयाज की खुशी के लिए? कौन है ये अयाज यार, हाँ क्यों हर किसी को इसे खो देने का डर है आखिर? हाँ, और मुझे कह रहे थे कि जख्म पर नमक नहीं छिड़को। अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है, वो सब हक रखते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो, खास तौर पर वो अनम, वो जो है वो नागिन है, नागिन है वो जो है, ऐसे नचाती है सबको अपनी उंगलियों पर, एक तरफ मेहमत एक तरफ बुलंद। उफ पाशा, तुम्हारा जरा सा भी लिहाज नहीं किया ना, ऐसे छोड़ दिया बीच रास्ते में, अब देख लिया तुमने। शाइमा प्लीज, खामोश रहोगी क्या तुम? हाँ लेकिन जान, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ ना। तुम कुछ ना कहो शाइमा, तुम सिर्फ करो ठीक है। जाओ मुझे वो तस्वीरें लाकर दो। हाँ ठीक है, मैं लाकर देती हूँ। हाँ लेकिन अभी से बता रही हूँ, वो तस्वीरें लेकर अनम या मेहमत के पास जाओगे अगर ब्लैकमेल करने तो बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं कर चुकी हूँ, मैं इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं। मैं इनके पास जाऊंगा, ये तुम्हें किसने कहा? चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ। दो और छह, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, है ना बेटा? पहले ये हुआ और उसके बाद ये कर दिया। देखो भाई दामाद, तुम तो बिल्कुल अनाड़ी निकले इस खेल में। देखते हैं दादा जान, वो क्या कहते हैं, आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सही कहा, लेकिन देखो अब भी नहीं हुआ। चलिए अब बंद करें, मैं दस्तखान लगाऊंगी साले साहब। हाँ तो लगाओ ना, मैं बस दामाद को 5 मिनट में हरा के आया। जीनिया कहाँ रह गई? फिजा से मिलने जा रही हूँ ये बता के गई। फोन करो दामाद, खाना लग रहा है, उससे कहो फौरन आ जाए। जीनिया डियर, कहाँ हो डार्लिंग? प्यार से बात कर रहे हो मुझसे? लगता है दादा दादी सामने हैं तुम्हारे। हाँ मेरी जान, हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, दादा ने मुझे हरा दिया। अच्छा तो मैं क्या करूँ आयास, चलो मेरा मूड खराब नहीं करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही हूँ। क्या समझा नहीं मैं? अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्को में। हाँ अच्छा, फिजा से मुलाकात हो गई, अभी मोनिका के साथ हो तुम? नए डिजाइन बना रही हो तुम। हाँ अच्छा किया मेरी जान, चलो ठीक है, काम खत्म होते ही फिर आ जाना। ओके झूठ नहीं मैं बोलूंगी और ना ही आऊंगी। अच्छा ठीक है समझ गया, मैं नहीं आऊंगी कह रही हूँ, झूठ तो नहीं बोलो ना। और हाँ, मैं आज रात लड़कियों के साथ उनके घर जाऊंगी। अब तुमने क्या झूठ बोलना है खुद ही सोच लो जानू। हाँ एक और बात, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से भूल कर एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। तुम हिस्ट्री हो चुके हो आया साहब, चलो अब बाय। जीनिया डियर, डार्लिंग, मैं अभी वहां आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। ओके सी यू जानू। दादा जान, मैं जीनियो को लेके अभी वापस आ रहा हूं। ओके हाँ ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी लेकर आना। थैंक यू, मैं समेट लेता हूं। ये देखो कितनी अच्छी फैमिली हो गई है, देखो ना साविया डियर। हटा दो इसे मेरी नजरों के सामने से शाइमा, तुम्हें मालूम है ना? साव्यार हरगिज नहीं, यही वक्त है जमीर की आवाज को दबाने का, चलो तुम ये कर सकते हो।
यार फिजा क्यों इतना पी रही हो? होश में आना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने वापस भी जाना है घर। मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत बेवकूफ हूँ मैं, एक नंबर की बेवकूफ है। एम्ब्रे बिल्कुल हक पर है। फिजा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो असल सरप्राइज मिस कर दोगी। कौन सा सरप्राइज? अरे सिनान आने वाला है यहाँ पर। सिनान कौन यार? अरे सिनान अक्चन। हाँ क्या तुम सच कह रही हो? जीने तुमने सुना क्या? सिनान यहाँ आ रहा है। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो ना। अब ये होश में नहीं आने वाली। हेलो। अरे चुप हो जाओ यार, मैं कुछ सोच रही हूँ। देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? क्या यार? यार आयास आया है, वहाँ नजर नहीं आ रहा। इस आदमी से हकीकत में मेरी जिंदगी में सुकून नहीं देखा जाता, हर जगह पीछे आ जाता है। तो रुको रुको, मैं जरा से मजा चखा कर आती हूँ। अब ज़ेनिया कहाँ है? आयास आयास नहीं है, रुको। अरे तो गई। कौन कहाँ गया? और कौन? आयाज। जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं। नहीं है? नहीं। देखो मुझे माफ कर देना, असल में मेरा दिमाग ऐसे बहुत उलझा हुआ है, यानी ऐसे जैसे सारी दुनिया मुझे आयाज नजर आ रही है, हर जगह आयाज ही को देख रही हूँ मैं, तुम समझ रहे हो ना? वैसे मैं ज़ेनिया हूँ, याद है तुम्हें? तुम हमारे फैशन शो में आए थे। हाँ याद है, अच्छा था वो शो। फिर तो तुम्हें आयास भी याद होगा। वो भी याद है। मुसीबत है वो। सॉरी मैं शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक सेकंड, यहाँ आए, बैठे प्लीज। को शुरू हुए पूरे 4 महीने हो गए, सब खत्म। अब बस आज रात सब कुछ खत्म कर दूंगी, मैं खुद खत्म कर दूंगी सब। तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आयाज साहब, the unbeatable, तुम अपने बाप को ख्यालों की दुनिया से निकालकर असलियत में देखना चाहोगे क्या? ये तुम्हारा बाप है, मेहमत करा है। बकवास बंद करो अपनी।